व्हाट्सअप टीम लकी, सो आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे आप ही के क्वेश्चंस हैं। तो हम खेलने वाले हैं Q&A, जो कि मैंने बहुत टाइम पहले अभी विद इन अ वीक पहले एक स्टोरी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे कि आप मुझे कुछ क्वेश्चन पूछो, मैं आपको आंसर दूंगा, वो भी सच्चे आंसर। सो ये सारे बहुत ज़्यादा सच्चे आंसर है मेरे, हैं क्या? हाँ है यार। सो ये सच्चे बहुत ज़्यादा सच्चे आंसर हैं और मैं ये सारे आपको देने वाला हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे और वो मेरे साथ मेरी टीम बैठी है यहाँ पे, सो वो मेरे से पूछेगी वो सारे क्वेश्चंस और मैं आपको आंसर दूंगा उन चीज़ों के। और हाँ, एक और चीज़, वीडियो को स्किप मत करना, अगर क्या ना तो देख लेना, पाप पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं यार, मतलब एक होता है कि आपकी लाइफ में ना जो बहुत से लड़के जिनकी गर्लफ्रेंड होती ही नहीं है, और एक होता है कि किसी को विश्वास नहीं होता कि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो वो सेकंड वाला बंदा मैं हूँ, जिसकी मतलब नहीं है तब भी लोगों को लगता है कि हाँ भाई चार पास तो होंगी, मतलब इधर उधर तो कहीं, तो भाई नहीं है गर्लफ्रेंड, मतलब सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने काम को लेके चलता हूँ, दैट्स व्हाई। और मैं अभी ऐसा हूँ कि मैं अपने काम को ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं जो मेरे साथ इंसान रहना चाहता है उसको इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो आई एम रियली सॉरी, अभी नहीं है, बट आगे देखते हैं यार, मतलब चाहिए तो है ही वैसे। So the second question is, are you a trained dancer? नहीं, एक्चुअली क्या था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी पूछा, थैंक यू सो मच यार, क्योंकि मुझे इसके बारे में बताना था, क्योंकि मुझे 2.5 साल हो चुके हैं एक्चुअली डांस छोड़े हुए, मतलब मैं प्रोफेशनल डांस नहीं करता हूँ 2.5 साल से, और उससे पहले भी मैंने कहीं पे सीखा नहीं है। मैं टीवी से देख के सीखता था, जैसे कि बहुत सारे डांसर्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी टीवी से देख के सीखना, और मैं बहुत सारे ऑडिशंस दे चुका हूँ DID के और ये डांस प्लस के, सुपर डांसर के। सो मेरा सर्कल भी डांसिंग लाइन में है, सो कुछ रीजंस की वजह से वो मैंने अपना करियर ड्रॉप किया था, बट या अब मैं आज आप लोगों के इतनी दुआओं से और इतने प्यार से मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मैं खुद ट्रेंड होना चाहता हूँ, तो मैं सीखना चाहता हूँ कि डांस जैसा मेरा पहले पैशन था ये सब सीखने का, दैट्स इट। And the third question is, are those your natural eyes? Of course यार, मतलब ये question बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, of course, ये natural eyes हैं, हैं। Fourth question, how do you edit your videos and your reels, and how much time does it take to edit? So आप सभी जानना चाहते हो, क्योंकि हाँ ये question लोग पूछते हैं कि आप अपने videos edit कैसे करते हो, मतलब आप ऐसे slow motion में यूं कैसे आते हो? सो ये मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है कि मेरे को ज़्यादा ना मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास एक एप्लीकेशन है जहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस अपनी एडिट करता हूँ, और उस एप्लीकेशन का नाम है वीटा ऐप। ये बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है सब लोगों के लिए कि जो मतलब अभी वीडियो एडिट नहीं कर पाते हैं लोग, सो वीटा ऐप आपको एक प्रोवाइड करता है टेम्पलेट अपने एप्लीकेशन में, जहाँ पे आपको अपनी रॉ वीडियोस डालनी है, और रॉ वीडियोस डालते ही ऑटोमेटिक आपकी पूरी वीडियो एडिट हो जाएगी और उसके बाद आपको वीडियो दिखेगी बूम। एंड सेकेंड थिंग कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईफोन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो अभी आपको यहाँ पे एक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको पता चलेगा कि मैं वीडियो कैसे एडिट करता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो आप अपना वीडियो ऐप ओपन कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको दिखेगा न्यू प्रोजेक्ट, उसके बाद सारी फाइल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको अपनी फाइल को देखना है कि आपको कहाँ से क्रॉप करना है, मतलब स्प्लिट करना है, उसके बाद हम इफेक्ट्स देखेंगे कि कौन से इफेक्ट डालने हैं। सो मैं यूज़ करूँगा ये अपना रिकॉर्डिंग वाला। सो अब मैं अपना सबटाइटल्स सेलेक्ट कर लिया है, मैंने लिख रहा हूँ आई लव यू, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी ने आई लव यू बोलते हैं तभी मैं स्माइल कर रहा हूँ। सो हम फॉन्ट ब्लैक कर देते हैं, ज़्यादा बेटर लगेगा, और मुझे एडजस्ट करना है तो मैं ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ उसको, क्योंकि ऊपर अगर ज़्यादा अच्छा लग रहा है येलो के साथ। सो अब इसके बाद मुझे चेक करना है अपना म्यूज़िक, ये वाला नाइस। ओके, परफेक्ट यार, देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही वीडियो, वाओ आई लव यू यार। सो हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, अब बैक करा है मैंने। सो हमें सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाके हमें वीटा वाटर मार्क अपना ऑफ कर दिया है मैंने, फिर अपनी वीडियो को ओपन करना है और उसको एक्सपोर्ट कर देना है, वो अब आपकी फाइल में सेव हो जाएगा गैलरी में, और ये हो रहा है सेव। अभी मैं जाके वीडियो देखा, क्या कितना कूल लग रही है यार, देखो जरा, वाह यार ये। सो ये मेरी वीडियो एडिट हो चुकी है। सो अभी जाके डाउनलोड करें वीटा ऐप, और इस एप्लीकेशन के लिए मज़े हैं क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सो आप जाके ऐसी बहुत सारी वीडियोस एडिट करें अपनी प्यारी प्यारी, और क्या पता फिर मैं भी आपके पास प्रोफाइल पर आके कमेंट करूँ कि यार क्या वीडियो एडिट करी है।
सो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने कैसे वीडियो इतना अच्छा वीडियो एडिट किया था इस वीडियो ऐप से। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रियलिटी क्या थी, क्योंकि ये तो आपने देखा कि यार क्या वीडियो एडिट हुई है ये वो करके, अभी यहाँ पे देखो कि रियलिटी क्या है यार इसकी। ऐसे एडिट करना पड़ता है, देख रहे हो, मतलब ऐसे तीन चार बार ऐसे ऐसे करना पड़ता है। मैं इतना खुद अपनी शक्ल देख के ऐसा हो रहा है ना कि कैसे करा है मैंने। सो ये रियलिटी थी और ये था मेरा एक्सपेक्टेशन, जो आप सोचते हो कि एकदम से हो गया एडिट, बस जाके ऐसे कूल दिखते हैं, पर ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब 5-10 मिनट तो करनी पड़ती है। फिफ्थ क्वेश्चन, वन सेलिब्रिटी क्रश और वन सेलिब्रिटी यू वांट टू वर्क विद। मेरी क्रश यार बचपन से एक ही क्रश रही है, मतलब बचपन से क्या पता, जब से देखा है उनको मैंने वर्क करते हुए टीवी पे उनकी मूवीज़ वगैरह, श्रद्धा कपूर। सो मेरा मतलब बचपन से सपना है कि मैं उनसे मिलूं और उनके साथ काम भी करूं, तो बस यही है यार। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार शेयर करके वहाँ तक पहुँचा दो। ज़्यादा होशियारी नहीं वरना आंखें निकाल कर गोटी खेलूंगा गोटी। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द बेस्ट पिकअप लाइन एवर यूज्ड ऑन यू? जो मेरे पे यूज करी गई है, आई होप इसके बाद बहुत सारे लड़के इस वीडियो पे कमेंट करने वाले हैं कि पागल जो भी मैंने वे वर्ड यूज करने पड़े, बट भाई सच में यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी क्या बताया मेरे पे, वो मारी वो चीज लाइन। क्योंकि बहुत सी जब लड़कियां मिलती हैं तो शी वाज लाइक के हे मतलब मैं ना किसी से भी इतनी बात नहीं करती हूँ जितनी मैं तुमसे करती हूँ, पता है यू आर द वन पर्सन जिससे मैं बात करती हूँ, और उसके बाद मेरा ऐसा हो जाता है कि हाँ भाई समझ में आ गया। फिर सेकंड लाइन उसकी ऐसी आती है कि हाँ लकी तुम्हें पता है, क्योंकि आम दैट पर्सन की जो लोगों की केयर करता है, मतलब तारीफ नहीं कर रहा अपनी, अब किसी से भी पूछ लेना मेरे सर्कल में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों का केयर करना, उनके साथ घूमना, प्यार से रहना। सो उस टाइम पे लोगों को ना कुछ ज़्यादा वैसा होने लगता है, कनेक्ट होने लगता है मुझसे। सो उसके बाद वो लोग ऐसा चीज़ ही लाइन मारने लगते हैं कि तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, ये वो करके। मैंने बोला ठीक है यार बस ठीक है, तो ज़्यादा चीज़ें लाइन मिलते था ठीक है बस इतना ही ठीक है मेरे लिए, ज़्यादा नहीं। सो द सेवंथ क्वेश्चन इज, स्ट्रेंजेस्ट र्यूमर यू हैव हर्ड अबाउट योरसेल्फ। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अगर होगा तो I'll let you know, guys. ठीक है? Question 8. How do you deal with negativity? ये question बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब हमने ये career start किया था मैंने अपना, जब when I'm like you know 8 years old, तब से मैं इस line में हूँ। famous होने में ज़्यादा time नहीं हुआ, मतलब famous हुए मुझे 2 साल हुए हैं, पर उससे पहले ही मैं अपनी दूसरी line में था, एक्टिंग लाइन में भी, मतलब मैंने एक सीरियल कर रखा है जो किसी को पता नहीं है, एंड आई एम अ हॉकी प्लेयर, मैं नेशनल खेला हूँ, उसके बाद मैं स्केचिंग करता था, और मतलब बहुत सारे स्टफ मैंने अपनी लाइफ में कर रखे हैं। सो उसके बाद मुझे हर जगह ही नेगेटिविटी दिखी है। आप पहले आपको अगर 60 लोग पसंद करते हैं तो 40 लोग आपको पसंद नहीं भी करते होंगे, पर वो क्या पता आपका स्टाइल पसंद करते हो या आपका टॉकिंग सेंस उनको अच्छा लगता हो, आपकी शक्ल अच्छी नहीं लगती हो, आपके बाल अच्छे लगते हो। तो मेरा हमेशा दिमाग ऐसा रहे कि जो मेरे हेटर्स भी हैं, क्या पता वो मेरी प्रोफाइल देख के तो मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे दिमाग में ये रहता है, वो मेरी प्रोफाइल जाके देखते हैं फिर उसके बाद मुझे गाली देते हैं, मतलब सोच रहे हो कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेचारों को। सो उनका क्या पता उनको मेरी शक्ल पसंद ना हो, पर उनको मेरे कपड़े पहनना स्टाइल अच्छा लगता हो, क्या पता उनको मेरे बाल अच्छे लगते हो, क्या पता उनको मेरे कान अच्छे लगते हो, तभी तो वो बार बार आके देख रहे हैं ना, दैट्स अ पॉइंट। सो मैं इतना हार्ड वर्क करना चाहता हूँ और अपने आप को इतना अच्छा बनाना चाहता हूँ कि जिस चीज़ से उनको प्रॉब्लम हो, क्या पता अगले दिन वही आके मिले कि भाई मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आपका ये चीज़ अच्छी करते हैं, मेरे को इंस्पायर करिए ये चीज़ ये वो करके। सो मुझे उतना करना पड़ेगा, और जो भी मुझसे मतलब ऐसा हेट करता है, इतना प्यार नहीं करता, अभी गुस्से में रहता है, जो गलत वाला कमेंट करते हैं, तो मैं जनरली चाहता हूँ कि वो मुझसे कभी मिले, मेरे साथ बैठे आके बात करें, और फिर मैं उनको बताऊँ कि मैं कैसा इंसान हूँ और क्या हूँ, समझे। And the last question is, one message you want to give your fam? इसको साइड में रखता हूँ पहले। So,
मैं एक होते हैं कि आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं बोलने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए लोगों के लोगों को, बट मेरे पास आप लोग आपको कहने के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को किसी भी चीज़ में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फैमिली हैं आप लोग हमारी, क्योंकि एक मेरी फैमिली है घर पे, मेरे मॉम डैड, मेरे ब्रदर सिस्टर, और जिन्होंने मेरा फ्रेंड सर्कल, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया आज तक यहाँ पे लेके आए हैं, हर चीज़ में बताया, जैसे कि मेरी टीम, सो ये लोग सपोर्ट करते हैं। बट एक आप लोग मेरी इतनी बड़ी फैमिली हो जो मेरे को रोज़ सपोर्ट करती है, मतलब आप समझ रहे हो कि हर पोस्ट पे लाइक करना, कमेंट करना और चीज़ें बताना, और बहुत से लोग रोज़ मैसेज करते हैं जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाता, तो आई एम रियली सॉरी उसके लिए। बट मेरा लाइफ में, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में भी ये चीज़ बोली है कि मेरा लाइफ में बस एक ही सपना है कि दुनिया में मेरे को जितने भी लोग प्यार करते हैं, आज तक जितनी भी मेरी फैमिली हुई है ऑन इंस्टाग्राम, लाइक 4.2 मिलियन और जो भी अदर प्लेटफॉर्म्स पे है, यूट्यूब पे और जाके पहले टिकटॉक पे थी और अभी जितने भी प्लेटफॉर्म पे लोग जानते हैं, वो लोग तो मुझे फॉलो कर रहे हैं और जानते हैं उससे ज़्यादा लोग हैं, तो मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ, एक बार देखना चाहता हूँ कि कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं इस दुनिया में, मेरे पास कितनी बड़ी वजह है इस दुनिया में जीने के लिए। दैट्स अ पॉइंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप मुझे इतना प्यार करते हो एंड मेरी सारी चीज़ों को इतना सपोर्ट करते हो, पुश करते हो अच्छे वे में। सो बस यही है कि आप लोग की भी सारी दुआएं कबूल हों और मेरे से जो भी बनेगा कभी भी, तो मैं आप लोग के लिए करना चाहूँगा, इंशाल्लाह मैं आपसे मिलना भी चाहूँगा। थैंक यू सो मच। हे टीम लकी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक, एंड उसके बाद यार एक छोटी सी घंटी होती है सब्सक्राइब के बगल में, उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस कर दोगे तो उसके बाद आपको मेरी नई नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे, सो दबाना मत भूलना। टन टन।